ओम कुंडलिनी वर्धनी यम यम की सरीम सर्वभूत
Sit
सिखा रहे सबका मालिक एक है,
विश्वनाथ कहूँ या भोलेनाथ कहूँ या कहूँ साईनाथ।
घूम ले गोम यानी कानी च पापानी जन्मांतर के जानी चाधानी सर्वण विनसंदी प्रदीक्षण पदे पदे जो शिरडी ले जाएगा दबगाएगा चढ़े समाधि के सेड़े पर पैर तले दुख की पीढ़ी त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ाऊंगा मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो मेरी शरण या खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा आसायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दो मुझ मेरे न वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया धन्य धन्य वह भक्त तेरी शरण में आने वाला कभी ना खाली जाए कभी ना खाली जाए तेरी शरण में आने वाला कभी ना खाली जाए साईनाथ मेरा भक्तों के बिगड़े काम बनाए कृपा कर दो मेरे लब पे रहे तेरा नाम तेरी दया से सुबह होती तेरी दया से शाम तेरी दया से सुबह होती तेरी दया से शाम बोलो राम साईं राम 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 सुबह होती तेरी दया से शाम तेरी दया से सुबह होती तेरी दया से शाम बोलो राम साईं राम 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 बोलो
देखिए जूनियर ग्रुप में कृष्णा जमा करेंगे, चारों छात्र अपने चित्र को सूरज चौरसिया जी एडवोकेट के हाथ में जमा कर दीजिए।
चारों जूनियर नाम मैंने लिए हैं, कृष्णा पटेल, अजय सिंह, कपिल तिवारी, अभिषेक। अब आप लोग बैठ जाइए। विद्यालय के सभी छात्र की जनार्दन प्रसाद इंटर कॉलेज की छात्रा नेहा, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय इंटर जनार्दन प्रसाद इंटर कॉलेज की छात्राएं मंच पर।
मम्मी डैडी के करीब होते हैं।
वो कौन जहां
Just be
महोत्सव आयोजन टीम की ओर से और इसी कड़ी में साथ ही साथ साईं बाबा का प्रसाद स्वरूप वस्त्र भी उन्हें साईं प्रसाद के रूप में जो वस्नार्दन प्रसाद इंटर कॉलेज की टीम की छात्रा महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे फौजी करमवीर।
जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। मैं करूंगा कि आगे आप भविष्य में
एक अच्छे स्टूडेंट बने, अच्छे पेरेंट्स बने, अच्छे नागरिक बने, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं बधाई दूंगा बड़े भाई केडी त्रिपाठी जी को कि साई ट्रस्ट के जरिए लगभग हर वर्ष ये महोत्सव मनाया जाता है और ये एक ऐसा मंच मिलता है जहाँ पे धार्मिक सरोकारों से जुड़े हुए हमारे विभिन्न धर्म को मानने वाले सब एकजुट होकर के इस पर्व को मनाते हैं। लगभग 40% बच्चों की आबादी है जिसमें से ऐसे तमाम बच्चे हैं जो बेघर हैं, जिनके रहने और खाने का कोई जरिया नहीं है, जिनको पढ़ने के लिए न किताबें हैं न स्कूल है, गरीबी और मुफलिसी झेल रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, बच्चों को जो है व्यापार के लिए अलग अलग ट्रैफिकिंग की जा रही, उनको इधर से उधर किया जा रहा है, बच्चे ऐसे बच्चे जो बाल श्रम से जुड़े हैं जिनका विकास एकदम थम जाता है, ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनके जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिनको हम विधिक भाषा में कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो देख रेख एवं संरक्षण की जरूरत है, उन बच्चों के लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल कल्याण समिति का गठन किया है और समिति को एक मजिस्ट्रेटियल पावर है कि ऐसे बच्चे जिनको संरक्षण की जरूरत है उनको हम विधिक और सामाजिक न्याय दिलाने में पूरी तरह से मजबूत कर पाए। हम आस पास छोटा सा छोटी सी आशा वर्षों से इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई जिसमें बच्चों ने यही बैठ करके साईं बाबा और मां सरस्वती के चित्र बनाने का, उनको समय हमने मात्र आधा घंटा दिया। आप देखिए उन छोटे बच्चों के हाथ से बनाए चित्र। तो मैं बुलाना चाहूंगा जूनियर ग्रुप, हमारी चित्रकला में जूनियर सीनियर सब में एक नंबर में है। अभी वो बात सिक्स कक्षा छह का छात्र और जूनियर सीनियर दोनों से विजेता है ये, इसके लिए जोरदार तालियां। कृष्णा पटेल, सीनियर ग्रुप में दूसरा स्थान शिवांगी जायसवाल, तीसरा स्थान मोनी गौतम। हाँ सर, उधर मत करो मेरे लगे बिछौरा के राधिका अमीशा,
जूनियर ग्रुप। इसी जूनियर ग्रुप में दूसरा स्थान टीआई महोदय भी, आरआई महोदय भी। सर, हमारी इस आज कार्यक्रम में जो प्रतियोगिताएं हमने सीनियर ग्रुप का भी रिजल्ट, राष्ट्रीय एकता का बच्चा हो हमारी इस प्रतियोगिता में, उसका वही स्वागत है जो हमारे बच्चे का है। उसी कड़ी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है जनार्दन प्रसाद पांडे कॉलेज की आमरीन फातिमा आमना। हमारे कार्यक्रम में सब छात्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये बहुत सराहनीय कथा हर साल चलाया जाता है सड़क सुरक्षा के जागरूकता के लिए। इसमें सभी गणमान्य नागरिकों को और छात्र छात्राओं को हम लोग विद्यालय में जा करके सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति अवेयर कर रहे हैं। हम लोग सड़क सुरक्षा के नियमों को यह प्रति सचेत किया। आप लोगों को यह फैक्ट मालूम होगा कि जितनी गंभीर बीमारियों से डेथ केस होते हैं उससे ज़्यादा मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में होती है, और यह दुर्घटनाएँ बहुत मामूली कारणों से होती हैं। छोटे छोटे कारण जो रहते हैं जो सेफ्टी प्रिकॉशन है हम लोग नहीं लेते हैं। आप लोग देखते होंगे घर में माता पिता हैं, चाचा चाची ताऊ, ये लोग बिना हेलमेट के या बिना सीट बेल्ट के दोपहिया वाहन या चरपहिया वाहन चलाते हैं, और कहीं अगर दुर्घटना होती है तो इसमें उनकी हैवी इंजरी या डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे आप लोग बच्चे हैं, इसमें आप लोग अभी चला नहीं रहे होंगे व्हीकल, तो आपको ऐसा करना है कि अपने घर और परिवार में जब भी जाएँ आप और देखें किसी कोई संबंधी आपका बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहा है, तो एक जिम्मेदार नागरिक या एक जिम्मेदार बच्चे होने के नाते आप उनको एक बार जरूर इस चीज़ के लिए सचेत करें कि पिताजी मम्मी पापा ताऊ जो भी हैं कि आप कृपया हेलमेट लगा लें, या अगर चारपहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लें। इससे कि इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं उनकी संख्या कम होगी और हैवी इंजरी से बचा जा सकता। कड़ी में हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद एच अलंकर का स्वागत अभिनंदन कर हमारे इस पंडाल में श्री साधुराम पाठक जी भी हैं। मैं अब कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए तैयार होकर के आ रही हैं जनार्दन प्रसाद इंटर कॉलेज। आपका सर्टिफिकेट, टिफिन और प्रसाद सब आप लेके जाओगे अपने घर में। कैमरामैन चलिए इधर आइए, मैम आइए। अरे अभी सेकंड। और प्री स्कूल से आप आए हैं, आपका भी हमारे इस पंडाल में स्वागत अभिनंदन। बैठिए।
प्यार से और शांति से बैठेंगे। अब आपके इस नृत्य प्रतियोगिता का भी रिजल्ट आने वाला है। विजेता तो घोषित हो गई थी रोशनी पाल, 2040 बच्ची के लिए शील गांधीनगर। आपका क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ती है? जनार्दन। चलो तुमको 200 रुपये 20 के लिए मिलेगा। इस बच्ची को आदरणीय के डी द्विवेदी जी द्वारा 200 रुपया महीना एक बार किड जी प्री स्कूल की छोटी बच्ची आयुषी सोनी ने, इसके लिए भी जोरदार तालियां।